नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेरिसस बोलसोनारो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 24 से 27 जनवरी तक भारत के राजकीय दौरे पर हैं, जहां वो भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर परेड में मुख्य अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव विजय ठाकुर सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रपति बोलसोनारो की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे सामरिक संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करने और केंद्रित रूप में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता 49 बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आपके साहसिक कार्यों से मुझे भी प्रेरणा मिलती है। पीएम मोदी ने कहा कि थोड़ी देर पहले आप सभी का परिचय जब हो रहा था, तब मैं सच में हैरान था कि इतनी कम उम्र में जिस प्रकार आप सभी ने अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रयास किए, जो काम किया, वो अद्भुत है। आपको कुछ और करने का मन कर जाएगा और अधिक अच्छा करने का इरादा हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये सारे जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो आखिरी मुकाम नहीं होता है, एक प्रकार से ये बिगिनिंग होता है। जब कोई रिकग्नाइज करता है तो मन को अच्छा लगता है, तो एक प्रकार से ये जिंदगी की शुरुआत है। और आपने मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने का साहस दिखाया। आप में से कुछ वीर बालक हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने गंभीर बीमारियों से लोगों को बाहर निकालने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कई नए नए इनोवेशन किए। किसी ने आर्ट एंड कल्चर में, किसी ने स्पोर्ट्स में, तो किसी ने शिक्षा साहित्य में, तो किसी ने समाज सेवा में। विविधताओं से भरा हुआ आपका योगदान रहा है। तो वहीं चीन के बाद अब भारत में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। गौरतलब है कि मुंबई में कोरोना वायरस के दो संदिग्ध मामले सामने आए हैं। दोनों संदिग्धों को कस्तूरबा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका परीक्षण कराया जा रहा है। इस बीच कोरोना वायरस से चीन में 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 830 लोग संक्रमित हैं। बता दें, वुहान समेत 9 शहरों को बंद कर दिया गया है। वुहान में 700 से अधिक भारतीय स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। जानकारी के मुताबिक चीन से लौटे दो लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। दोनों मरीजों को कस्तूरबा अस्पताल में अलग वार्ड में भर्ती किया गया है। कस्तूरबा अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक दोनों मरीजों में हल्के सर्दी जुकाम के लक्षण हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती मरीजों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल चीन में कोरोना वायरस फैलने से लोगों में दहशत का माहौल है। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के लखनऊ में सीएए एनआरसी के खिलाफ घंटा घर पर हफ्ते भर से महिलाओं का प्रदर्शन जारी है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मौलाना डॉक्टर कुलबे सादिक पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारी महिलाओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मुल्क में नफरत, जुल्म और जाति का माहौल बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की बहादुर और दिलेर औरतों की हिम्मत की दाद देता हूँ। शांति पूर्वक प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। शांति पूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करना जारी रहना चाहिए। जुल्म और अत्याचार की हुकूमत ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। कानपुर में केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे परियोजना में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा है।
आपको बता दें ये आरोप किसी दूसरे पार्टी के नहीं बल्कि खुद बीजेपी विधायक ने लगाए हैं। दरअसल कानपुर के बिठूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में गंगा घाटों की सफाई के नाम पर एक निजी कंपनी बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। उनका कहना है कि गंगा घाटों की सफाई का काम लेने वाली कंपनी अपने कर्मचारियों की ड्यूटी दिखाकर पैसे ले रही है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि इस कंपनी को कई बड़े अफसरों का संरक्षण मिला है। बता दें विधायक ने इसकी शिकायत कानपुर के डीएम से की है। जिला एवं सत्र न्यायालय रामपुर आजम खान के दो जन प्रमाण पत्र मामले पर लगातार गैर हाजिरी की वजह से सख्त एक्शन ले सकती है। बता दें सुनवाई पर हाजिर न होने की वजह से कोर्ट आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ पहले समन, फिर जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। आपको बता दें यह मुकदमा MP MLA स्पेशल कोर्ट ADJ 6 में चल रहा है। अफसरान से हमारी बात हो रही है अंदर, ये इत्तेफाक है कि वो अच्छे सुलझे अधिकारी हैं, उन्होंने हमारे साथ। बलिया में सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के टीवी कॉलेज चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर अमित शाह का पुतला फूंका। आपको बता दें सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी से नाराज थे, जिसके चलते सपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री का पुतला फूंका। जी, ये अमित शाह जी का पुतला फूंका गया और हम लोगों ने इसलिए उनका पुतला फूंका कि हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में काफ़ी अशब्द भाषा का वो प्रयोग किए। इसकी वजह से हम लोगों ने सारे समाजवादी युवा साथी मिलकर के आज अमित शाह जी का यहाँ हम लोग पुतला फूके। ये तानाशाही सरकार किसी को कुछ समझ नहीं रही है और हमारे लोकप्रिय नेता और इतने शानदार छवि के नेता अखिलेश यादव जी के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना अमित शाह जी को काफ़ी महंगा पड़ सकता है। इनको अपनी बातों को वापस लेना चाहिए और अखिलेश यादव जी से माफी मांगनी चाहिए और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से माफी। निर्भया के दोषियों के वकील AP सिंह ने शुक्रवार को एक बार फिर पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया। इस बार उन्होंने एक आवेदन डालते हुए अदालत से कहा कि तिहाड़ प्रशासन ने अभी तक उन्हें वो कागजात उपलब्ध नहीं कराए हैं, जिससे वह दोषी विनय, पवन और अक्षय की क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका दाखिल कर सके। गौरतलब है कि तीनों में विनय की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज हो चुकी है और अब उसे दया याचिका दाखिल करनी है। वहीं पवन और अक्षय को क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका दोनों दायर करने हैं। ऐसे में दोषियों के वकील ने कहा है कि 1 फरवरी को फांसी की तारीख निर्धारित है और उन्हें तिहाड़ प्रशासन ने अब तक कागजात उपलब्ध नहीं कराए हैं। बताया जा रहा है कि तीन दोषी 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दाखिल करेंगे। इसमें तीनों जेल में अपने व्यवहार में सुधार का जिक्र कर फांसी की सजा उम्र कैद में बदलने की मांग करेंगे। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के चक्रसेनपुर गांव के पास एक युवक का शव मिला। शव के सीने और माथे पर गोली मारी गई है। ये शव संदिग्ध हालातों में गांव चक्रसेनपुर के पास बने तालाब में मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गांव वासियों से इस घटना के बारे में सुराग बताने की अपील की। 22 से 25 साल का युवक होगा और उसके सिर में एक गोली मारी गई है और एक बाएं सीने पर गोली लगी हुई है। इसके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, डेड बॉडी PM दिल्ली भेजी जा चुकी है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने बीती रात पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त सचिन की निशानदेही पर उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल ये गैंग छोटी गाड़ियों में सवारियां बैठाकर लूट की वारदात को अंजाम देता था। तो वहीं इन आरोपियों ने 22 जनवरी को परी चौक के पास से
एक ओला कैब स्विफ्ट डिजायर भी लूटी थी। फिलहाल कार मुठभेड़ में बरामद कर ली गई है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से एक चाकू, एक देसी तमंचा सहित कारतूस भी बरामद हुए हैं। 22 तारीख की रात में 6 बदमाशों ने कार लूट लिया था, जिसमें कल मुठभेड़ के तहत एक बदमाश गिरफ्तार हुआ था। कार और पिस्टल बरामद हुई थी। उसी के बताया अनुसार 4 बदमाश आज और गिरफ्तार किए गए हैं। केवल पूरा अंडर पास से उसके पास से तमंचे, कारतूस और चाकू बरामद हुआ है। एक बदमाश और शेष रह गया है, उसको हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। यूपी के रायबरेली में पछरावा मुख्य चौराहे पर आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर लगाया गया। आपको बता दें कि पुराने नगर पंचायत कार्यालय में प्रतिमाह लगने वाले शिविर में निशुल्क जांच करके दवाइयों का वितरण किया जाता है। डॉक्टर सुरेश कुमार के मुताबिक 11 बजे से 3 बजे तक शिविर लगा रहता है। एक दिन में लगभग 250 मरीजों का परीक्षण कर दवा वितरित की जाती है। शिविर में आए मरीजों के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह उर्फ राम जी ने निशुल्क जलपान की व्यवस्था करवाई। ये हमारे आयुष विभाग की एक योजना है, आयुष ऐप के द्वारा। इसमें हम लोग हर जगह जगह जाके अपने चिकित्सालय के क्षेत्र के 8 किलोमीटर हम लोग कैंप लगाते हैं, जिससे कि लोगों को आयुष के प्रति जागरूक कर सकें। क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षा मातृस्थ विकार प्रश्नम, मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा प्रत्येक उद्देश्य है। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ रहे, मतलब और बीमारी ना पड़े, और बाकी जो जिसको बीमारी हो गई उसको रोक जाए। इसीलिए आज हमने यहाँ पर नगर पंचायत कार्यालय में कैंप लगाया है। यहाँ पर 10 से 3 बजे तक कैंप लगेगा, और हमेशा यहाँ भीड़ रहती है, मरीजों की संख्या काफ़ी रहती है। लगभग 200 मरीजों तक आने का इसमें आशा है। प्रत्येक माह यह शिविर लगता है विभाग के तहत आयुष्मान योजना के तहत अंतर्गत लगभग 150-200 मरीज दवा हमारे यहाँ ले रहे हैं। मैं हूँ दीपचंद मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं कह रहा हूँ जनपद रायबरेली के बछावा के नगर पंचायत के पुराने कार्यालय पर, जहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक शिविर लगाया गया है। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे एलोपैथ के आगे आयुर्वेद और होम्योपैथ का वजूद खत्म होता जा रहा था, लेकिन जागरूक मेहनत और नगर पंचायत अध्यक्ष की लगन की बदौलत आज धीरे धीरे आयुर्वेद में फिर से विश्वास जम रहा है। और यहाँ पर आज सुबह 10 से 3 बजे के बीच में लगभग 250 मरीज देखे जाने की संभावना है। कैमरा पर्सन भास्कर सारदी कंसरा लाइव 24। आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर मुफ्त दवाइयां लोगों के बीच में वितरित की गई। तो वहीं अगली खबर यूपी के स्थापना दिवस से जुड़ी हुई है, जहां यूपी के ललितपुर में आज उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया गया। बता दें इस कार्यक्रम में कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में श्रम विकास मंत्री मनोहर लाल पंत, शहर विधायक राम रतन कुशवाहा और जिला अधिकारी योगेश कुमार शुक्ल मौजूद रहे। बता दें 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था, जिसके बाद मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाने की घोषणा की। आज का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश दिवस के संबंध में है और हम उत्तर प्रदेश दिवस मना रहे हैं। इसमें हम अपनी सरकार की जो कल्याणपरक योजनाएं हैं उनको प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका हमें सभी
जो पात्र व्यक्ति हैं उनको लाभ देना है। आज हम सभी उत्तर प्रदेश वासी पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस मना रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी, सबसे पहले 24 जनवरी 2018 को प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश दिवस का कार्यक्रम किया गया था। आज हम सब लोग पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर इस कार्यक्रम को संपन्न करा। राजधानी लखनऊ में द मदर्स लैब वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में द ग्लोबल पार्क में कैलेंडर लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों की प्रतिभाओं को समाज में लाना है। वहीं इस आयोजन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बृजेश पाठक ने कहा कि इस संस्था की तरफ से बच्चों के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है, आप गरीब बच्चों और युवाओं को क्रिएटिव बनाने का कार्य कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं जो बच्चे यहां से सीखकर देश का नाम रोशन करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।